यहाँ पर 13 बंदर जब गढ़ जाएंगे तो ये स्थान जो है ये हनुमानगढ़ी और बालाजी के पावर में आ जाएगा। ये 13 बंदर गढ़ने पर एक ये गाड़ा है, आज एक ये गाड़े गए हैं, और हमारे यहाँ तमाम घर में हमारे जो तमाम बंदर गड़े थे मेरे घर में, अब हाथे में, अब वहाँ बिल्डिंग बनेगी तो उनको खोदा जाएगा, कहाँ फेंक दिया जाए, हम रहें न रहें। तो हमने कहा अपने जीते जी हम उनको खुदवा के यहाँ ला करके यहीं सब अगले बगल गाड़ेंगे। इस बरसात में चारों तरफ से फूल लगा दिया जाएगा। आप लोगों में प्रचार कीजिए कि यहाँ हर शनिवार के दिन, मंगल को नहीं, शनिवार को लोग आवें, आ करके जिसको मान मनोबल मानना है माने, और उसका जब काम बन जाए तो वो बंदर भोज कर दे, वो बंदर भोज कर दे। बाकी यहाँ ना कोई चढ़ावा चढ़ाना है, ना कुछ आडंबर करना है। यहाँ पर चारों तरफ से इतने फूल लग जाएंगे कि फूलों की घाटी हम बनवा देंगे इसको, ये फूलों से ही सजा रहेगा। बाद में फिर देवाल और बाद में वो सारी ये मंदिर और देवाल चौरा तो हर जगह होता है, ऐसा हो कि जहाँ खाली फूले फूल नजर आवे, सब अगल बगल यहाँ फूल, वहाँ फूल, वहाँ फूल। इतने पेड़ इस बरसात में लगवा देंगे कि लोग कहीं भी देखेंगे भैया वही फूल की झाड़ियों के अंदर उनकी समाधि होगी। और यही सब सारे बंदर गाड़ दिए जाएंगे, लोग किनारे से आएंगे, दर्शन करेंगे। तुलसा महाराज जी हैं, तुलसा किनारे, हाँ हाँ किनारे किनारे। अब देखिए आपने तुलसा का याद दिलाया, आज हम इतना बीज मेरे यहाँ रखा है, हम नया बीज है, रामा श्यामा सब डालो, जिनका जिनका मर्जी हो जाए ठीक। तो यहाँ कुल मिला के महाराज असली मंदिर यही है, वो मंदिर नहीं जो पत्थर के हनुमान हमने आपने बनाए और मंदिर में बैठा दिया, वो मूल अगर हाँ ले आओ ले आओ, वो मूर्खों के लिए है। जो मूर्ख होते हैं ये मूर्ख लोग अपने बनाए, अपने द्वारा बनाए हनुमान की पूजा करते हैं। हम पकड़ ले महाराज जी, हाँ बोल दियो। और जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो असली पूजा करते हैं। आखिर ये बंदर जो है किसका बनाया है, ये हनुमान का बनाया है, तो जिनको हनुमान ने बनाया है हम उनकी पूजा न करें, और जिनको हनुमान ने हमने बनाया है हम उनकी पूजा करें, तो यह हमारा समाज अंधा रहा है और रहेगा। यह जग अंधा कई समझाऊं, कबीर साहब ने कहा था, वो हर काम उल्टा। यही हनुमान चालीसा का पाठ करना है, यहाँ बैठ कर करो, शनिवार को आओ, यहाँ जो चढ़ाना है चढ़ाओ, बच्चों को बुला के बांट दो, और उसके बाद बंदर के जाके खिलाओ, और दो चार शनिवार को करके देखो, आपको खुद ही कुछ दिखाई पड़ेगा। हमारी तो पूरी जिंदगी इसी में लग गई। अभी रुस्तमपुर में जहाँ मैंने बतासा लिया, मौलिया जी वकील साहब मिठाई की दुकान है बीचों बीच बाजार में, वो आपको जानते हैं मौलिया जी, कांग्रेस से जुड़े भी हैं। हाँ हाँ। तो उन्होंने बताया, उन्होंने लोगों से कहा, कहीं इनको आप जानते हैं, कहीं ये विश्व लेवल के आदमी हैं, और देखिए रुस्तमपुर में यहाँ बैठे हैं, कोई इनको जानता तक नहीं, कहीं ये विश्व स्तर के हैं। कहीं महाराज जी कितने आपके भोज हो गए, हमने कहा 11,000। कहीं 11,000 बंदर भोज और बाल भोज हमारे द्वारे हो चुके हैं, तो एक विश्व रिकॉर्ड बना कि नहीं बना, विश्व पूरी दुनिया में इतना लंबा लगातार भोज किसी ने किए कि ये हनुमान जी की कृपा है। कल हमारा ये बताइए, एक गांव यहाँ से ईश्वर दीन का पुरवा, बगल में जिलेदार का पुरवा, और बगल में उसके पोठई है, पोठई के पुरवा है हमारा, वो पोठई के पुरवा है ना, तो परसों रात में हमको मालाओं से ढक दिया गया, सब इसी में कैद है, माला से हमको मून दिया गया, समाधि तरीके से बन गई, सब इसी में कैद है। वो भी आएंगे तो दिखाएंगे। तो अब आप लोग आपस में प्रचार कीजिए कि लोग शनिवार को आवें, यहाँ दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जिसको बड़ा कष्ट है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, दिमाग देख ले, जिसको कोई शारीरिक कष्ट हो, दिमागी कष्ट हो, मामला हो, मुसीबत हो
माचिस लाओ। बढ़िया उपाय है। हाय सुख साधी है पास। बेटा हर चीज लेके आया करो यार। हाँ, सोच लिया करो। थोड़ी कुछ अपना भी दिमाग लगाओ। सब हम ही लोग तुमको बताएंगे क्या। इंद्र महाराज जी के बगल में जाओ। आओ यहाँ बैठ जाओ। बैठो बैठ जाओ। तुम खालो है का कि महाराज जी खाले हो। तुम हो है किसन। काम सीखो अपने मन से कुछ दिमाग लगाओ। कितने नहीं जलाओ जितने निकालो। बीरबल को अकबर के यहाँ बीरबल को एक भर्ती करना था एक आदमी। आगे आगे पकड़ो बराबर करो। तो भर्ती करनी थी तो वहाँ वो परीक्षा लेते रहे तो एक गाय जा रही थी। लोगों से कहा कि जाके गाय की जानकारी ले आओ। तो एक साहब गए कहीं गैया कितने क्या है कहीं नत्ते क्या है लौटिया। एक जने गए कहीं ब्याज की है कहाँ की है किसकी है इसके पहले कितना दूध दिया है पूरी जानकारी लेके आए। बीरबल अकबर के यहाँ जौन राहत रहें वही लगे वही का नौकरी में रख लें। और जौन आए कहें कहीं बताई से कि 5 रुपया के द्याब तो कहें अच्छा है तुम जाओ लौट जाओ। इसलिए दिमाग अपना दिमाग लगाओ। इसको लाने गए तो माचिस ले आओ है ना। सीखो हम लोगों से तो वो गाड़ दियो ये हो सो। हाँ। और क्या रामनवमी में क्या पूछना। ये भी एक बड़ी चीज है। ये भी हनुमान जी की महापूजा है। ये लीजिए महाराज एक एक आप लोग भी ऐसे ऐसे अपने हाथ से घुमाइए उसमें लगाइए। हाँ, एक आप लीजिए। ये सब संयोग है। लो बेटा तुम ऐसे ही से घुमा दो तो खोस हम देंगे। हम भी उसी से घुमा देंगे। हाँ। और सुलगा दियो महाराज। हाँ, नहीं नहीं है लीजिए काम हो जाएगा। लो दीक्षित जी आप भी इसमें घुमा दीजिए। हाँ वही जा रहे हैं वही आगे गाड़ो यहाँ पर तो फिर यहाँ के लिए एक होगा। अच्छा और तो है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कष्टों को देख करके हमको राहत हुई कि किन्हीं कारणों से मरे हों। अब राहत मिल गई कि अब इनका मरना ही अच्छा। ए यहाँ घाव इधर घाव। अब बताओ घाव एक महीना से महाराज जी सेवा करते हैं। एक महीना से अंगूर लेव खेत सबकी वीडियो बन के रखी है। एक महीने झेल इनका जौन जौन दवा भाग के आदमी को ना भाग आदमी की नहीं कोई कर सकता है। और मरे जिसे बड़े पल्ले रहे अमेठी जिला में रहे महाराज जी हो। इसमें जब पूरा वह कहते थे तो लगा तब तक ये किनारे ऐसे गाड़ दियो बस। इनका पूरा वह कर दे थे। अच्छा बड़ी बलगर मिट्टी हुई है।